सब कुछ फ्री में मिल रहा है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में कहीं बिजली मिल रहा है, फ्री में कहीं कुछ मिल रहा है। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, जब सब कुछ फ्री में है तो फिर रोजगार फ्री में क्यों नहीं है? जब सब कुछ फ्री है तो रोजगार फ्री में क्यों नहीं है? आज बेरोजगारी हमारे देश में क्यों फैल रही है? आज महंगाई हमारे देश में क्यों फैल रही है? गरीबी क्यों बढ़ती जा रही है? इसे भी फ्री में मिलना चाहिए, फ्री में गरीबी समाप्त हो जाए, फ्री में बेरोजगारी समाप्त हो जाए, फ्री में महंगाई समाप्त हो जाए। आप बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? फ्री में राशन मिल सकता है तो फ्री में रोजगार क्यों नहीं मिल सकता? फ्री में बेरोजगारी, अगर फ्री में बिजली मिल सकती है तो फ्री में बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म हो जाती? फ्री में नौकरी क्यों नहीं मिल जाती? कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो है, कहीं ना कहीं कुछ बातें तो है। आज मैं 12 प्रदेश के गरीब छात्र छात्राओं को पढ़ाने का जिम्मा लिया है। मैं जितना सक्षम हूं उतना मैं कर रहा हूं। मैंने सेफ्टी फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ये कोर्स ऐसे हैं जो रोजगार परक शिक्षा है, 12 प्रदेश के बच्चों को मैंने पढ़ाने का जिम्मा लिया, मुझे सफलता भी मिल रही है। आप सभ्य समाज से काफी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और मैं सफलता की के रास्ते पर आगे भी बढ़ रहा हूं। आज जहां बच्चे दो वक्त की रोटी जुटाने में परेशान है, परिवार का भरण पोषण करने में परिवार है, वो बच्चे 50,000 60,000 लाखों रुपए की फीस कहां से लाएंगे? उनके पास फीस कहां से आएगा? इस हाल में रोजगार तो उन्हें नहीं मिलेगा, वो तो टेक्निकल नहीं हो पाएंगे, उन्हें उच्च शिक्षा नहीं मिल पाएगी। उनकी तो किस्मत यही है कि प्राथमिक शिक्षा किसी तरह से ले लो और प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद फिर मजबूरी करने के लिए विवश हो जाओ। लेकिन मैंने संकल्प लिया है, सन 2003 से मैं बेरोजगारी के प्रति लड़ रहा हूं और संघर्ष कर रहा हूं और आने वाले समय में भी संघर्ष करता रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा राष्ट्र भारत जो है, हमारा राष्ट्र है, ईमान है, सम्मान है, और भारत तब तक उन्नत की वास्तविक कहानी नहीं लिख सकता जब तक कि भारत में बेरोजगारी रहेगी, भारत में गरीबी रहेगी, भारत में महंगाई रहेगा और भारत में अपराध रहेगा। ये ऐसे मार्ग हैं जो हमारे देश के विकास में, हमारे राष्ट्र के विकास में हर समय बाधा बन के उत्पन्न होते हैं। जब मैंने यह कार्य शुरू किया था, समाज के लोगों ने मुझ पर हंसी उड़ाया था, समाज में मेरा मजाक उड़ाया गया, लोगों ने मुझे पागल कहा। मैंने परवाह नहीं किया, मैं आगे बढ़ा। मुझे सुकून मिलता है जब मैं किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करता हूं, जब किसी व्यक्ति के लिए दो कदम चलता हूं। मैं मानता हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास धन का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं जहां तक सक्षम हूं मैं साथ चलता हूं। केवल धन से ही मदद नहीं किया जा सकता, साथ चल के भी मदद किया जा सकता है। तो मैंने एक कोशिश किया, मैंने एक प्रयास किया और परमपिता परमेश्वर की कृपा से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज मुझे सफलता भी मिल रही है। आज वही समाज जो कभी हम पर कह कहे लगाया करता था, कभी हंसता था, आज वो सहयोग देने के लिए खड़ा रहता है, आज वो सलाम करता है, आज वो नमन करता है, क्योंकि मेरी सोच ईमानदार थी और मेरी सोच किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं थी। मैं अपने परिवार के लिए पूरा सक्षम हूं, मैं अपने बच्चों के लिए पूरा सक्षम हूं, उन्हें अच्छी एजुकेशन दे सकता हूं, उन्हें अच्छा पढ़ा सकता हूं, लेकिन सिर्फ मेरा परिवार। लेकिन भारत के उन तमाम गरीब बच्चों के बारे में जरा सोचिए, जो गरीबी के वजह से न तो उन्हें शिक्षा मिल पाती है, न तो वो आगे जा पाते हैं, उनकी किस्मत और उनका भाग्य मजदूरी करने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि जो लोग उनके साथ देने वाले हैं, उनके वर्ग के, उनके समुदाय के, वे लोग उन्हें गुमराह करने का कार्य करते हैं। मैं कहता हूं कि नफरत की बात छोड़ो, जाति पात की बात छोड़ो, विकास करो। और विकास कैसे होगा? खुद का विकास करो। जब खुद का विकास करोगे, खुद के रोजगार के बारे में सोचोगे, खुद को आगे बढ़ाने के बारे में सोचोगे, तो जब खुद का विकास होगा, आपके खुद का विकास होगा, तो आपका परिवार सुदृढ़ हो जाएगा, आपके परिवार में परेशानियां नहीं रहेंगी, आपके परिवार, आपका परिवार मजबूत होगा, आप अपने परिवार को अच्छी एजुकेशन दे पाओगे, अच्छी शिक्षा दे पाओगे, एक अच्छी जिंदगी दे पाओगे, और मजदूरी करने पर वो लोग विवश नहीं हो पाएंगे। तो जब आपका परिवार मजबूत होगा,
तो आपका गांव मजबूत होगा। जब आपका गांव मजबूत होगा, आपका शहर मजबूत होगा। जब शहर मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा। और जब प्रदेश मजबूत होगा, तो बड़े डंके की चोट पे कहता हूं, मेरा भारत मजबूत होगा, मेरा देश मजबूत होगा। और फिर हम एक अच्छी, जो हमने सोचा है कि राष्ट्र का विकास, वास्तविक विकास इस तरीके से होना चाहिए, न तो कोई झूठ होगा, न तो कोई फरेब होगा, न तो कोई धोखा होगा। मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो सरकार चलाती है, लोग चलाते हैं, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह तो लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी बेरोजगारी है हमारे देश में, सब कुछ होने के बाद महंगाई है हमारे देश में, सब कुछ होने के बाद अपराध बढ़ रहा है हमारे देश में, सब कुछ होने के बाद हमारे देश में मजदूरी करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, रोजगार की कमी होती जा रही है। और इसको देखते हुए मैंने एक रास्ता निकाला कि हम जहां भी कुछ तो हम कम करेंगे। मैं मानता हूं कि पूरी तरह से मैं इसको खत्म नहीं कर पाऊंगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जहां 10 बेरोजगार है वहां 6 बेरोजगारों को रोजगार तो दे सकता हूं, 6 को तो दे सकता हूं, 7 को तो दे सकता हूं, 5 को तो दे सकता हूं, 5 जो बेरोजगार, कुछ तो कम होगा। और जैसे जैसे हम सब लोग मिलेंगे, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि एक दिन भारत से बेरोजगारी खत्म होगी, भारत से बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए गरीबी खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी, और भारत वास्तव में विश्व के गुरुओं के पद पर आसीन होगा। आज पूरी दुनिया भारत के तरफ आबादी के दृष्टिकोण से देखती है, बाकी किसी चीज नहीं। तो हमें समझने की आवश्यकता है, हमें अपने विकास के बारे में सोचने की आवश्यकता है, हम कैसे विकास करें, कैसे हमारे आय के स्रोत बढ़े, इसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने बारे में न्याय करते हैं और ईमानदारी बरतते हैं, लेकिन यदि आप इन बारे में नहीं सोचते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने बारे में सोचिए, अपने आय को बढ़ाने के बारे में सोचिए, आप रोजगार के बारे में सोचिए, कैसे आगे बढ़ा जाए इसके बारे में सोचिए। अगर कोई आपके पास उपाय हो, अगर कोई आपके पास रास्ता हो तो मुझे भी बताने की कोशिश करिए, अगर वो अच्छा रहा तो मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूं। पूरा भारत मेरा परिवार है, और जब तक हमारे भारत से यह गरीबी शब्द, बेरोजगारी शब्द खत्म नहीं होती, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। 2003 से मैं संघर्ष कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। और कल तो मैं अकेला था, आज तो मेरे पास जनसमूह है, आज तो मेरे पास आपकी ताकत है, क्योंकि आज जब आप रोजगार पाते हो तो आप मेरी ताकत बन जाते हो, आप दूसरों को रोजगार देने के लिए तत्पर हो जाते हो, उसका मार्गदर्शन करते हो। किसी भी, हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर वर्ग के, हर धर्म के बच्चों को पढ़ाया, हर बच्चों को मैंने देखा, वो सब हमारे हैं, सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं, सब हमारे भारत के हिस्सा हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाए, ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।